अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी एक सुंदर नीले रंग के गोले जैसी दिखती है। यह दृश्य हमें यह एहसास दिलाता है कि हम एक अनोखे और अद्वितीय ग्रह पर रहते हैं, इसीलिए हम इसे नीला ग्रह कहते हैं। यह नाम हमारे ग्रह की विशेषता को दर्शाता है। हमारी पृथ्वी का ज्यादातर हिस्सा पानी से ढका हुआ है। लगभग 71% सतह पानी से आच्छादित है, जो इसे अन्य ग्रहों से अलग बनाता है। सागर, झीलें और नदियां, ये सभी आकाश के नीले रंग को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये प्रतिबिंब हमारे ग्रह को और भी सुंदर बनाता है। इस कारण से दूर से देखने पर हमारी पृथ्वी नीली दिखाई देती है। यह नीला रंग हमारे ग्रह की पहचान बन चुका है। क्या आप सोच सकते हैं कि अगर हमारे ग्रह पर यह विशाल महासागर ना हो तो यह कैसा दिखेगा? यह विचार ही हमें डराता है। यह एक बहुत ही अलग जगह होगी। बिना पानी के यह एक सूखा और बंजर स्थान बन जाएगा। पानी ही वो चीज है जो हमारी पृथ्वी को खास बनाती है। यह हमारे ग्रह को जीवन देने वाली शक्ति है। यह जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है। पानी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पानी के बिना यहाँ पेड़ पौधे, जानवर या इंसान कुछ भी नहीं होगा। यह हमारे अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। पानी का चक्र हमारे ग्रह को संतुलित और हरा भरा बनाए रखता है। यह हमें जीवन के हर पहलू में मदद करता है। इसलिए हमें अपने इस नीले ग्रह की रक्षा करनी चाहिए और पानी का महत्व समझना चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है। हमारी पृथ्वी पर पानी हमेशा गतिशील रहता है। यह निरंतर बहता रहता है, कभी रुकता नहीं है। चाहे वह नदी की धारा हो, समुद्र की लहरें हो या झरने का गिरता पानी, हर जगह पानी का यह नृत्य देखने को मिलता है। यह एक नृत्य की तरह है। पानी का यह नृत्य हमें जीवन की निरंतरता और उसकी सुंदरता का एहसास कराता है। इसे हम जल चक्र कहते हैं। यह चक्र हमारे पर्यावरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले महासागरों और नदियों से पानी वाष्पित होता है। सूर्य की गर्मी से पानी भाप में बदल जाता है। इसका मतलब है कि यह भाप में बदल जाता है और हवा में ऊपर उठ जाता है। ये प्रक्रिया बहुत ही अद्भुत है। जब यह भाप ठंडी होती है तो यह बादलों का रूप ले लेती है। इसे संघनन कहते हैं। बादल बनते हैं और आसमान में तैरते हैं। जब बादल पानी से भर जाते हैं तो पानी बारिश या बर्फ के रूप में धरती पर वापस गिर जाता है। इसे वर्षा कहते हैं। यह प्रक्रिया धरती को ताजगी और जीवन देती है। बारिश का पानी फिर नदियों, झीलों और महासागरों में बह जाता है, जिससे जल स्रोत पुनः भर जाते हैं और यह चक्र फिर से शुरू हो जाता है। यह चक्र अनंत है और जीवन को निरंतरता प्रदान करता है। महासागर हमारे ग्रह के हृदय की तरह हैं। ये विशाल जल राशियां न केवल हमारे ग्रह को जीवन देती हैं, बल्कि इसे संतुलित भी रखती हैं। ये हमारी पृथ्वी की सतह के अधिकांश भाग को कवर करते हैं। महासागर पृथ्वी की सतह का लगभग 71% हिस्सा घेरते हैं, जो इसे नीला ग्रह बनाते हैं। ये अनगिनत अद्भुत जीवों का घर है। समुद्र की गहराइयों में कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जिनमें से कई अभी भी अज्ञात हैं। भेल, डॉल्फिन, मछली और रंगीन प्रवाल भित्तियां, ये सभी महासागर में रहते हैं। ये जीव न केवल सुंदरता बढ़ाते हैं, बल्कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को भी संतुलित रखते हैं। महासागर हमारे जलवायु को नियंत्रित करने में भी मदद करते हैं। महासागरीय धाराएं वैश्विक मौसम पैटर्न को प्रभावित करती हैं और तटीय क्षेत्रों में मौसम को संतुलित करती हैं। ये सूर्य से गर्मी को अब्सॉर्ब करते हैं और इसे पूरे ग्रह पर वितरित करते हैं। महासागर सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करके उसे धीरे धीरे छोड़ते हैं, जिससे तापमान संतुलित रहता है। यह तापमान को बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होने से रोकने में मदद करता है। महासागर की यह विशेषता हमारे ग्रह को रहने योग्य बनाए रखती है, जिससे जीवन का संतुलन बना रहता है। भाग 4, पृथ्वी की सुरक्षा कवच। पृथ्वी के चारों ओर गैसों की एक विशेष परत है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। यह परत एक विशाल कंबल की तरह काम करती है। यह हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल पृथ्वी को जीवन के लिए पर्याप्त गर्म रखने में भी मदद करता है। यह सूर्य की कुछ गर्मी को ट्रैप कर लेता है, ताकि यह पूरी तरह से अंतरिक्ष में वापस न चली जाए। भाग 5, हमारे घर के बारे में कुछ मजेदार तथ्य। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी हमारे सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है? यह बहुत अमेजिंग है। पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसकी सतह पर पानी तरल अवस्था में है। यहाँ एक और मजेदार तथ्य है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है।
इसी घूर्णन के कारण ही दिन और रात होते हैं। पृथ्वी को एक पूर्ण घूर्णन करने में लगभग 24 घंटे लगते हैं। भाग 6, अपने अनमोल ग्रह की रक्षा। पृथ्वी एक अनमोल तोहफा है। हमें अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसकी देखभाल करने की जरूरत है। अपने ग्रह की रक्षा के लिए हम बहुत सी चीजें कर सकते हैं। हम पानी बचा सकते हैं, प्रदूषण कम कर सकते हैं और पेड़ लगा सकते हैं। हर छोटी बड़ी कोशिश मायने रखती है। आइए हम सब मिलकर अपने नीले ग्रह को स्वस्थ और सुंदर बनाए रखने में अपना योगदान दें।